की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत का कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आ चुका है। जी आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं कि ये बड़ी खबर सामने आई है कि इस समय कॉन्ट्रोवर्सी क्वीन यानी कि कंगना रनौत का कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आ चुका है और इस बात से सभी कोई काफ़ी ज़्यादा खुश नजर आ रहे हैं। लेकिन इस बीच कंगना रनौत ने कुछ ऐसा कहा है जिसे सुनकर काफ़ी लोग दंग रह गए हैं। आपको बता दें कि अपनी रिकवरी के बाद उनका जो रिपोर्ट नेगेटिव आया है तो उनके दर्शक ये जानना चाहते हैं कि आखिर कंगना रनौत ने इतनी जल्द रिकवरी कैसे कर ली, जिसके बाद कंगना रनौत ये कहती हुई नजर आती हैं कि वो ये नहीं बताना चाहती हैं कि उन्होंने इतनी जल्दी कोरोना से रिकवरी कैसे किया। आपको बता दें कि हाल ही में कंगना रनौत ने इस बात का खुलासा किया था अपने सोशल मीडिया के जरिए कि उनका कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आया है, जिसके बाद उन्होंने काफ़ी प्रिकॉशंस लिए और खुद उन्होंने इस बात का खुलासा भी किया है कि उनका अब कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आ चुका है, जिसके बाद उनके फैंस ये जानने के लिए बेताब हैं कि आखिर इतनी जल्द उन्होंने कोरोना को कैसे मात दे दिया। लेकिन इस बात की जवाब नहीं देना चाहती हैं कंगना रनौत। काफ़ी समय से सुर्खियों में छाई हुई हैं। सबसे पहले उन्होंने ट्विटर पर ममता बनर्जी के खिलाफ जो पोस्ट डाला था उसके वजह से ट्विटर वालों ने उनका अकाउंट सस्पेंड कर दिया, जिसके बाद उन्होंने ममता बनर्जी के खिलाफ इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट डाली थी और उस पोस्ट को इंस्टाग्राम वालों ने भी डिलीट कर दिया, जिसके बाद कंगना रनौत ये कहती हुई नजर आई कि उन्हें लगता है कि वो ज़्यादा दिन तक नहीं टिक पाएंगी इंस्टाग्राम पर। और अब जो उनकी ये रिकवरी की न्यूज़ सामने आई है, इस बात से भी वो काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में वापस आ चुकी हैं।